चलिए इसके बाद नेक्स्ट है स्क्वायर, राइट। रेक्टेंगल देखा था कि हमने, अब हम देखेंगे स्क्वायर। स्क्वायर की प्रॉपर्टी सेम है रोम्बस की तरह, राइट। तो सबसे पहले स्क्वायर की डेफिनेशन देख लेते हैं। रेक्टेंगल इन विच टू एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इज अ स्क्वायर। अब इसमें टू एडजेसेंट साइड्स थी, एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती हैं? उस दिन हमने एडजेसेंट एंगल्स देखे थे। एडजेसेंट एंगल्स मीन्स जिनमें साइड कॉमन होती है, और एडजेसेंट साइड्स मीन्स जिसमें एक एंगल कॉमन होता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे दो एडजेसेंट साइड्स कौन सी है, एक एस आर और आर क्यू, ये दोनों एडजेसेंट हैं क्योंकि इनके बीच में एक एंगल कॉमन है, राइट। इसी तरीके से आर क्यू एंड क्यू पी, ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं क्योंकि इनमें एक एंगल कॉमन है। इसी तरीके से पी क्यू एंड पी एस एंगल कॉमन है, और इसी तरीके से पी एस एंड एस आर, इसमें भी ये एंगल कॉमन है। तो ये सारी साइड्स आपस में एडजेसेंट साइड्स हैं, राइट। तो इस तरीके से जिसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं तो उसे आप स्क्वायर बोलते हैं। अगर ये वाली साइड इसके इक्वल है, और ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, इसका मतलब चारों साइड्स आपस में इक्वल है। तो इसी तरीके से हम प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं स्क्वायर की। प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर, सबसे पहली चीज़, ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। स्क्वायर की सबसे पहली प्रॉपर्टीज है, सबको मालूम है कि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल लेंथ की होती है। सेकेंड मेन प्रॉपर्टीज, ऑल इंटीरियर एंगल्स मेजर 90 डिग्री, जैसे रेक्टेंगल में था 90 डिग्री का, इसी तरीके से स्क्वायर में भी 90 डिग्री का है, ठीक है। सारे इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। उसके बाद डायगनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, इसके भी डायगनल्स इक्वल लेंथ के होते हैं, राइट। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टीज, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ये डायगनल्स जो आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, जैसे हमने रोम्बस में देखा था, सेम इसी तरीके से स्क्वायर में भी है कि इसके जो डायगनल्स होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं। अगर इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ओ दे दिया जाए तो यहाँ पर क्या होगा, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर एंड दिस इज इक्वल टू ओ एस, ये चारों आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि इनके डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट कर रहे हैं, और बाइसेक्ट कर रहे हैं और साथ में इक्वल लेंथ के भी है डायगोनल।